सब रिकॉर्ड है कि क्या कर रहे हो, सही है कि नहीं है। ये बिल्कुल सामने बीच है और बीच के सामने देखो ये हमारा हो गया अपार्टमेंट। हम लोग फर्स्ट टाइम एज अ कंप्लीट फैमिली, यानी कि मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, हम लोग फर्स्ट टाइम एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे। हम लोगों की सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो जगह है वो है गोवा। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ को लेकर के गोवा ही गया था। जब तक अकेले ट्रैवल करते रहो तब तक सब कुछ अपनी मनमर्जी होता है, लेकिन जब बच्चे और बीवी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो सारी तैयारियां भाई उनके हिसाब से ही करनी पड़ती हैं। तो मैंने भी सारी तैयारियां उन्हीं के हिसाब से की है, चाहे वो हमारा स्टे हो, हमारी फ्लाइट की टाइमिंग हो, और वो सब इस हिसाब से की है कि ताकि हम लोग यहाँ से टाइम से निकलें और टाइम से वहाँ पर पहुँच जाएं। लेकिन अभी तक तो मुझे सब कुछ सेट लग रहा है। अब हम लोग यहाँ से घर से निकलेंगे और पहुँचेंगे एयरपोर्ट, और हम जा रहे हैं अपनी पहली फैमिली ट्रिप पे गोवा। फर्स्ट हॉलीडे। ये लड़का जो है ये बहुत परेशान हो रहा है। बच्चे सो गए तो नाश्ता भी आ गया, जिसमें था मेरा फेवरेट चिकन जंगली सैंडविच। बादलों में लुका छुपी करते हमारा हवाई जहाज हरे भरे मैदानों के ऊपर से गुजरते हुए पहुंच गया गोवा। गोवा पैसे निकाल कर रख लेता हूँ। गोवा में मॉनसून शुरू हो चुका है और बस हल्की फुहार वाली बारिश अभी अभी हुई है। शाम के 5:30 बज रहे थे और हमने डेबोलिम एयरपोर्ट से की अपने लिए टैक्सी अश्वेम बीच के लिए। 2100 टैक्सी लो और बाहर जाओ, बाहर जाकर के ड्राइवर आपको मिल जाएगा तो आपको मिल जाएगा। हैप्पी मेरी अपने होस्ट एलन से व्हाट्सएप पे बात हो चुकी थी, लेकिन इस प्लान में थोड़ी दिक्कत हुई जब रास्ते में दोनों बच्चे पूरी तरीके से भूखे हो गए और हमें अश्वेम पहुंचने में अभी लगभग 1 घंटा लगेगा। एयरबीएनबी अपने में पहुंच गया हूं और ये मेरा एयरबीएनबी का पहला एक्सपीरियंस है। और जब हम पहुंचे तो बिल्कुल बीच के सामने ही हमारा छोटा सा बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड फ्लोर का घर था। ठंडी हवा के झोंके के साथ हम भी अंदर दाखिल हुए। एक बेडरूम ये हो गया, वॉशरूम ये है, ये एक रूम में एसी है। प्राइसिंग भी जबरदस्त, जो सेटअप है, जो गोवा का लोकल फील है वो यहाँ आने वाला है। और इस ड्राइंग रूम से जुड़ा हुआ था ये किचन, जहाँ खाना बनाने का पूरा इंतजाम था और हमें भी यही चाहिए था। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। तो गोवा पहुँचने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया वो हायर की स्कूटी, क्योंकि इसके बगैर गोवा में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर पेट्रोल लेना होगा तो आसपास किसी भी शॉप से मिल जाएगा। हाँ हाँ, मेरे बॉटल्स पे भी मिल जाएगा और पेट्रोल पंप पे इजीली। पेट्रोल पंप यहाँ है आसपास में? हाँ, आरंबोल में है, 5 किलोमीटर। और दूसरा काम मैंने सबसे पहले ढूंढा एक जनरल स्टोर। ये रही शॉप, अच्छा वो खुली मिल गई। लेट हो गया था, रात के 9 बज रहे हैं लगभग। हमने अपना पता ले लिए है। लॉकी वॉकी नहीं मिली भाई यहाँ पर, यहाँ पर जितना कुछ मिल गया उतना मैं ले आया। ये जिदान और हमारी पहली लाइफ की पहली स्कूटर राइड होगी। कुछ सब्जियां हैं, फल हैं यहाँ मिल रहे हैं। और फिर ढूंढते हुए हमें एक वेजिटेबल शॉप भी मिल गई। जुकीनी है, बेल पेपर्स हैं, दिस इज लेमन ग्रास है, ब्रोकली है, माल्टा, चेरी टोमेटो, अच्छी खासी चीज़ है। मतलब इस हिसाब से इन्होंने यहाँ सेटअप कर रखा है कि फॉरनर्स यहाँ पर आएँ वो सब चीज़ें यहाँ से ले सकें। मैं एक बेसिक रूल फॉलो करता हूँ भाई, टूरिस्ट इलाके में जाओ, सीज़न हो ऑफ सीज़न हो, जहाँ भीड़ ज़्यादा हो वहीं पर रुक करके खाना टेस्ट करो। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने में हो जाती है बेवकूफ़ी। ये जगह थोड़ी सी भीड़ यहाँ पर। अभी क्या टाइम हो रहा है अभी? 10:30। गोवा के हिसाब से थोड़ा सा लेट हो ही गया है। हमने सब्जियाँ खरीदी और वापस आके सबसे पहले बनाया बच्चों के लिए खाना। बच्चे खाना खाते ही फौरन सो गए। हम भी काफ़ी थक चुके थे, इसलिए हम भी खाना खाकर फौरन सो गए। सुबह उठे तो सामने बीच के शोर ने मन को सुकून से भर दिया। क्या खूबसूरत लोकेशन थी। हम तैयार हुए और घूमने के लिए निकल पड़े आरंबोल बीच की तरफ। और हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े धुआंधार बारिश होने लगी। बारिश का जो टाइम होता है उसमें लगभग गोवा खाली हो जाता और अश्विन बीच साइड तो और भी ज़्यादा कोई नहीं रहता। रेनकोट भी नहीं था और अब सबसे पहले वो भी लेना था। हमने बारिश रुकने तक इस होटल में शेल्टर लिया और लगे हाथ ब्रेकफास्ट भी मंगा लिया। यहाँ से निकले तो सीधे पहुँचे रोड पे ही लगी शॉप पे जहाँ रेनकोट टंगा हुआ था। ये कितने का है? 300। ये वाला 150 का है। थोड़ा प्राइस सही लगा लो। मेरे बेटे का मुझे 10-20 दिया अभी मैंने, झूठ नहीं बोल रहा, इसी ने दिया है। बार्गेनिंग करने के बाद भी आंटी ने थोड़े से पैसे कम किए। वो तो कोई बात नहीं, थोड़ा ही आगे बड़े होंगे कि रेनकोट के अंदर पानी बरसने लगा। अच्छा, रेनकोट ले लिया, अब हम जा रहे हैं आरंबोल बीच। आंटी ने एकदम थर्ड क्वालिटी का रेनकोट दिया था। अब चूना तो लग चुका था और हमें ढंग का रेनकोट भी चाहिए था। आरंबोल बीच से पहले ही एक जगह आई, मांद्रेम बीच, जहाँ ढंग की दुकानें थी। जो भी रेनकोट लो भाई, थोड़ा देख समझ करके लेना है। 450 रुपए का ये कि 300 रुपए में चूना लग गया, बकवास। और अपनी स्कूटी दौड़ाते हुए हम पहुंच गए आरंबोल बीच। उनकी स्कूटी स्किड की थी ना सामने वालों की, हमारी थोड़ा डर गया कि कैसे स्लिप मार रही है। यहाँ ये पार्किंग वाले भाई भी चूना लगा रहे थे। ऑफ सीजन में भी ये भाई साहब यहाँ पार्किंग टिकट काट रहे थे। कहाँ पार्किंग? कौन से पंछी है? शूटिंग क्यों लेता है? शूटिंग पर्ची क्यों काटता है? इसीलिए शूटिंग करता है। तो पर्ची काटकर वही काटने चाहिए ना। हैं? किसी के हम हाथ पे दे देते हैं। लो लो, क्या मना किया? किसने मना किया? ये सब रिकॉर्ड है कि क्या कर रहे हो, सही है कि नहीं है। खैर, हम आखिरकार बीच पे पहुँचे तो लगातार बारिश होती रही और मैं और मेरी वाइफ वहीं बारिश में बैठे अपने बेटे जिदान को पहली बार समुंदर को देखकर नाचते हुए देखते रहे। लहरें आती रहीं और जाती रहीं और हम मुस्कुराते हुए अपनी गुफ्तगू में लीन इस एक्सपीरियंस को एब्जॉर्ब करते रहे। जब बारिश नहीं रुकी तो हमने वापसी शुरू की और सीधे पहुंचे आरंबोल फिश मार्केट। गोवा आओ और मछली न खाओ तो गोवा आना बिल्कुल बेकार। हम लोग कल ही आए, लेकिन यहाँ भी हम थोड़ा लेट हो चुके थे। मछलियाँ भी लगभग खत्म हो चुकी थी, बस प्रॉन्स बचे थे, इसलिए हमने वही ले लिए। अब हम लगा देते हैं स्कूटर में। भूख बहुत लग रही थी और हमें वापसी में दिखाई दी एक वड़ा पाव की शॉप जिसका नाम था सुख सागर। हमने यहाँ खाया गर्मा गर्म गोवन वड़ा पाव और वापस पहुँच गए अपने घर। एक कप चाय के साथ दोबारा वड़ा पाव और मिर्ची पाव खाकर हम भी इस लोकल गोवन लाइफ का मजा लेने के लिए पहुँच गए बीच पे। सारा सामान तूने क्या फ्रिज में, मैगी वैगी नमकीन सब फ्रिज में लगा दिया। जाइए, डरिए नहीं, जाइए। पकड़ लिया बाबा ने आप। जी 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 भाई, हम जा रहे हैं, चलो। अब शाम हो रही थी और हमारे घर के सामने इस अश्वेम बीच पे यहाँ के लोकल्स फिशिंग के लिए इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। फिशिंग की तैयारी हो रही है। बाद में आपको याद रहेगा सब कि बाबा आपको लेकर के आए थे। कुछ नहीं हुआ आज। तो 6 लोगों की एक टोली मछली के जाल को समेट रही थी और दोबारा फिशिंग नेट लेकर अंदर जाने की तैयारी कर रही थी और इसी टोली में थी हमारी होस्ट की फैमिली भी। एक फिश मिला इनको अभी तक। अब शाम होने से पहले ये लोग फिशिंग करेंगे लगातार। इतनी तेज बारिश आई, हमें भागना पड़ गया। अंधेरा होते ही हम वापस आ गए घर और मैंने बनाया रोचेडो मसाले में प्रॉन्स। गोवन रोचेडो मसाला चिली और विनेगर के बेस पे बना होता है और मैंने इसे यहाँ पास के ही एक जनरल स्टोर से लिया है। अब हम डिनर करके सो जाएंगे।